आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम आए हैं कोहरा बुजुर्ग गांव में, और ये ब्लॉक गोलाम पड़ता है जिला गोरखपुर में। और इस गांव में एक साधारण परिवार की एक बच्ची जो अभी बीए पास की, पास नहीं की मतलब फर्स्ट ईयर में थी, और इसका अग्निवीर योजना के तहत इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है कि गाँव की बेटी आज इस मुकाम पर पहुँची है। यह समाज के लिए, देश के लिए बड़े गर्व की बात है। तो हम चाहते हैं सभी से एक बार इनके लिए ताली बजाएंगे आप लोग। धन्यवाद। आप बताइए, कभी आपने सोचा था कि मैं? हाँ, हमने शुरू से ही सोचा था देश प्रेम में, देश में कुछ योगदान देना। अच्छा, डिफेंस में। और आप उस मुकाम तक पहुंचे हैं, ठीक है। क्या आप अब विश्वास कर ली हैं कि जो आदमी जो सोचता है वो पूरा होता है? हाँ, जरूर पूरा होता है। तो इसमें गार्जियन की कितनी भूमिका होती है? होती है, बहुत होती है। गार्जियन की गाइडलाइन से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पापा की बहुत गाइडलाइन है मेरे पढ़ाई लिखाई में। हाँ, अब पापा मुझे बहुत गाइड करते थे, बहुत बोलते थे। हम लोग इधर उधर घूमने भी जाते थे तो बस पढ़ाई, घर का काम वोम जैसे होता है लेडीज़ का, वो कुछ नहीं, बस पढ़ाई। अभी पढ़ाई का एज कहते थे, और पढ़ाई का एज है पढ़ाई करो, फिर करना कुछ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गार्जियन आपके साथ हैं। और मैं बाकी लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, किसी मुकाम तक जाना चाहते हैं, ऐसे गार्जियन को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ये अंकिता के पिताजी हैं। क्या नाम है सर? मजिस्टर चंद जी। तो आपका सपना था हमारी बेटी जो है? हमारा सपना था बेटी, शुरू से बचपन से इसका शौक था सब फोर्स में जाने के लिए। हाँ। तो इन्होंने आई डिफेंस में, इसमें नेवी में चयन हुआ इनका जी। और बहुत लगन से और मेहनत से पढ़ती थी। तो जब आप लोगों ने ये सुना कि इनका आ गया, रिजल्ट आ गया, तो उस समय कैसा महसूस हुआ था? उस समय बड़ा गौर हुआ, कम से कम हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही हमारी लड़की बिलोंग करके वहाँ तक चहुँ गई, ये बड़ी गौर की बात है, बड़ी गर्व की बात है। हाँ, देहात से लोग नहीं जा पाते हैं जल्दी, क्योंकि यहाँ उतना शिक्षा की व्यवस्था उतना भरपूर मात्रा में नहीं है। तो इसलिए बहुत धन्यवाद है, आप लोगों का सहयोग है, और हमारा इनके साथ साथ सहयोग रहा, और साथ साथ गांव वासियों का भी सहयोग, जो भी समझ लीजिए सहयोग, सब बिल्कुल सबका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा है। लेकिन सबका आशीर्वाद के साथ साथ जो कैंडिडेट का भी भरपूर अगर इंटरेस्ट है, तो ये तभी सार्थक होता है। रात को जगकर पढ़ती थी, दिन में माहौल नहीं बनता था, तो रात को जगकर पढ़ती थी अपना। सुबह से तो बहुत अच्छी रहता था, पढ़ने में समय नहीं मिलता था इसको, लेकिन रात को 10 बजे के बाद पढ़ती थी, और फिर सुबह उठती थी 8 बजे 9 बजे तक। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। और बाकी लोग जो इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? डिफेंस में सब लोग नहीं भेजते, पर भेजना चाहिए, बहुत गर्व की बात है ये डिफेंस में जाना, देश के लिए कुछ करना। हाँ, बाकी अपने सहेलियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबको आगे बढ़ना चाहिए, सब पढ़ रहे हैं, सहेली भी पढ़ रही है। चलिए बहुत अच्छा है। मैं आगे गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्ति हैं आप। क्या नाम है सर आपका? प्रयाग चंद। इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमको बहुत खुशी है, इस तरह से और बच्चे भी और लड़कियां भी गांव से जो हैं संघर्ष करके जाएं फोर्स में, नेवी में, एयरफोर्स में, ये हम लोग को बहुत खुशी होगी, और इतनी खुशी जिसको हम लोग कभी बयान नहीं कर सकते हैं। बड़ी बात। हाँ, तो हमारी शुभकामनाएं हैं इस बच्ची के साथ भी, और भी बच्चियां जो मेहनत करती हैं उनके लिए भी हम लोगों का प्रयास रहेगा, उत्साह वर्धन करें उनका, और उत्साहित करके उनको आगे बढ़ावें, यही मेरी। देखिए, अंकिता चंद ने बताया है कि मेरा सपना था, और इसी सपनों को पूरा इन्होंने किया है, पूरा करके दिखाया है। ये बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ये विल पावर था इनके अंदर, कॉन्फिडेंस था। अगर जो लड़की किसी क्षेत्र में ऐसे मुकाम पे जाना चाहती है, गार्जियन अगर साथ दे रहे हैं, तो उसको उस मुकाम तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि इस बच्ची से लोग सीखें। हाँ। अन्य बच्चे भी सीखें इससे कि ये लड़की जिस तरह से हमारे गांव का नाम रोशन की है, अन्य बच्चे भी इसे प्रेरणा लें और आगे इसी तरह से करते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? भीमचंद। अच्छा, आप इस मौके पर क्या कहना? हम यही कहना चाहते हैं कि ये लड़की, इस बात को हम लोग सुन करके बड़ी खुशी की बात है कि एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र से इस लड़की इतनी डेवलपमेंट की है, और जो फोर्स में गई है, एक हमारे गांव का नाम रोशन की है, हमको इस बात का बहुत गौरव है। जी ठीक। हाँ, आपका नाम क्या है सर? दिनेश चंद।
आप क्या कहना चाहते हैं? हमको तो बहुत खुशी है इस उम्र में इतना गांव का रोशन किए बच्चिया, इस तरह से इनको प्रेरणा हर सभी लोगों को आगे बढ़ने का, गार्जियन का मान लिया सहयोग मिला है बच्चे को होनहार बनने के लिए, इसमें योगदान होता है बच्चों का भी गार्जियन के साथ साथ, तो ये बच्चिया ने अपने गांव का बहुत अच्छा नाम रोशन किया, बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपका नाम क्या है सर? राजेश चंद। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ सर, इस लड़की को धन्यवाद दे रहा हूँ जी जी, इसके लिए बहुत एक कठिन परिश्रम की है जी जी बिल्कुल, इसीलिए जो है और बच्चों को इनसे सीखना जी 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 जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारे जो वृद्ध होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, तो आज इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? बड़ी खुशी की बात है जी, हमारे गांव की एक बच्ची मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया, इस क्षेत्र में और भी लड़कियां इस पोस्ट पर नहीं हुई है। क्यों? कंपटीशन जब हुआ तो कंपटीशन में बहुत अच्छे नंबर से पास किया, बहुत लड़कियां फेल कर गई, रोते निकलती थी फील्ड से, फील्ड से रोते निकलती थी कि हम नहीं सक्सेसफुल हुए, नहीं पास हुए। कंपटीशन अच्छा हुआ, अच्छा नंबर से पास की और मेहनत से, और पूरे क्षेत्र का नाम मेरा रोशन कर दी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो आपका नाम क्या है सर? रवि प्रताप चंद। इनकी उपलब्धि के बारे में आपको पता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप? अब हमारी शुभकामनाएं हैं कि हर गांव के बच्चे ऐसे अगर जो निकलें क्षेत्र के निकलें तो अच्छा होगा, बच्चों के लिए भविष्य उनका उज्जवल होगा। जी जी। अब आगे क्या सपना है? इससे भी आगे जाने का, लेफ्टिनेंट बनने का, अभी और रोशन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नाम रोशन करिए, घर से दूर रहेंगे तो घर की बहुत याद आएगी, तो अपने आप को कैसे संभालेंगे आप? उतना तो त्याग करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया है, त्याग समर्पण देश के लिए, त्याग समर्पण देश के लिए बहुत जरूरी है। तो आप क्या और कहना चाहते हैं सर? आप यही कहना चाहते हैं कि हर लड़कियां, गांव की लड़कियां हो चाहे शहर की लड़कियां हो, अपना लगन से मेहनत करें और गांव का नाम रोशन करें। जी जी। गार्जियन के विश्वास को हमेशा बरकरार रखना चाहिए हर बच्चों को, ताकि उनका विश्वास न टूटने पाए, और जब विश्वास टूटेगा तो फिर दिक्कत होगा, बाकी बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती। अब हम आपको मिलवाते हैं अंकिता चंद के बिग ब्रदर, कैसे भाई सबको मिले, और आज इस उपलब्धि पर आप अपनी बहन के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सर यही कहना चाहूँगी, ये शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी, बचपन से ही जब हम लोग पढ़ते, तीन हम लोग तीन भाई बहन हैं लोग, तो तीनों लोगों में सबसे बढ़िया थी शुरू से ही, और रात को जब सब लोग सो जाते तब ये जाकर पढ़ती थी। अच्छा। पढ़ने में भी अच्छी थी शुरू से ही, स्कूल में भाग उग लेती थी और पढ़ने में भी अच्छी थी शुरू से ही। तो सर ये तैयारी भी करती थी, कुछ दिन दो तीन महीने इसकी तैयारी की होगी, ये ऑनलाइन कोर्स जो ली थी नेवी SSR के लिए, दो तीन महीने मात्र तैयारी की थी, और पिताजी हमारे रनिंग वनिंग कराए थे इसका यहीं द्वार पर, तो हो गया सर इसका बस।